हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह नई ट्रिक। सबसे पहले आपको इधर नीचे दिखाई गई विंडोज़ के आइकॉन पर क्लिक करना है। उसके बाद इधर सर्च करना है रन रन। सर्च करने के बाद इधर नीचे आइकॉन दिखाई देगा, यह इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर टाइप करना है शट डाउन। शट डाउन टाइप करने के बाद स्पेस देना है, उसके बाद डैश यस, फिर से स्पेस, फिर से डैश टी, और लास्ट में टाइम देना है। टाइम कभी आपको सेकंड में देना है, जैसे कि मैंने इधर दिखाया है। आपको मालूम होगा कभी भी टाइम 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते, तो आपको अपना लैपटॉप 5 मिनट बाद ऑफ करना होगा, तो आपको 5 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने इधर दिखा है 5 मिनट 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 300 होते, तो आपको सिंपली यहाँ पर 300 डालना है। जैसे 300 डालोगे उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा है कि अपना लैपटॉप 5 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देना है और उसके बाद अपना लैपटॉप ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। यह थी आज की स्ट्रिक वाइज। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।